इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर बताइएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन पैदल सफर कर रहे थे कि अचानक आप अलैहिस्सलाम को थकन महसूस हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से राब्ता किया और कहा कि मुझे सवारी अता की जाए। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, फला जगह मेरा वली बैठा है, उसके पास चले जाओ। जब आप अलैहिस्सलाम उसके पास गए तो उस वली ने आपकी तरफ देखा और कहा, अस्सलामु अलैकुम या मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और दिल में सोचने लगे कि इसको मेरा नाम किसने बताया है। तो उस वली ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने आपको मेरे पास भेजा है उस अल्लाह ने मुझे आपका नाम बताया है। और फिर वो इबादत में मशगूल हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में सोचने लगे कि इसके पास तो कोई सवारी नहीं है, तो फिर मुझे सवारी कहाँ से लाकर देगा। तो उस वली ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपको तो सवारी चाहिए ना, मैं जिधर से मर्जी लाकर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि ये वली मेरे दिल में झांक रहा है, हालांकि मैं नबी हूँ और ये वली है। अब इसने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, सवारी आ जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आ जाए। उस वली ने आसमान की तरफ देखा कि एक बादल का टुकड़ा जा रहा था, तो उसे आवाज दी कि नीचे आ जा और सवारी बन जा। अल्लाह के नबी की जब वो बादल का टुकड़ा नीचे आकर सवारी बन गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वली से पूछा कि कितनी इबादत कर बैठा है जो तुझे अल्लाह ने ये मकाम अता किया है। उसने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी एक बूढ़ी माँ थी जो बहुत बीमार थी, मैंने 20 साल उसकी खिदमत की है, और जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, जिस तरह मेरा बेटा 20 साल मेरी मानता रहा, इस तरह मेरे जाने के बाद तू भी मेरे बेटे की हर बात पूरी करता रहे, और इस वक्त से मुझे ये मकाम अता हो गया है। तो पता चला कि माँ की खिदमत से भी अल्लाह बंदे को बुलंद मकाम अता करता है, जबकि हम माँ को पूछते भी नहीं हैं और बातें अल्लाह के करीब और तसव्वुफ की कर रहे होते हैं। मेरे बहन भाइयों, अगर आपको तसव्वुफ पर चलना है और अच्छा मुर्शिद कामिल भी मिल चुका है, तो फिर भी अपनी माँ और बाप की खिदमत में मसरूफ रहो। क्यों ना के तसव्वुफ को पढ़ लेना से विलायत नहीं मिलती जब तक मुर्शिद कामिल की और माँ बाप की खिदमत ना की जाए।